आज बनाने जा रहे हैं हम चेव मशरूम की सब्जी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। बिना किसी देरी के मेरी रेसिपी को फॉलो करने के लिए चलिए मेरे साथ वीडियो के अंदर। ये देखिए कितना खूबसूरत रंग आया है इसमें मसालों में, और जब इसके साथ ये मिक्स हो जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं रेसिपी। तो यहाँ ले लिया है हमने 1 किलोग्राम चेऊ मशरूम, जिसको आप कह सकते हैं ये एक तरीके का मशरूम ही होता है जो घर पे भी उगाया जा सकता है। इसकी फार्मिंग भी की जाती है और ये खेतों में भी जंगलों में भी मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, देखिए कितना खूबसूरत है। और इसकी मसाले की तैयारी हमने कर ली है यहाँ पे। इसमें थोड़ा ज़्यादा लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला जाता है, और 3 से 4 बड़े कटे हुए प्याज, 3 टमाटर और थोड़ी बहुत हरी मिर्चें। और यहाँ मैंने वॉश करने के लिए पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि इसको गर्म पानी से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए गर्म पानी मैंने इसमें उड़ेल दिया है, और अब इसको अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ करना है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर पानी ज़्यादा गर्म है तो आप इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी मिला सकते हैं, बस आपके हाथ नहीं जलने चाहिए। उतने गर्म पानी से आपने इसको वॉश करना है। इस तरीके से देखिए रगड़ रगड़ के इसको वॉश करेंगे तो इसमें जो धूल मिट्टी या कोई और अगर गंदगी होती है तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगी। तो यह मैंने कर लिया है इसको साफ़। अब इसको ड्रेन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर अपना भी काफ़ी सारा पानी होता है, तो इसको बहुत अच्छे से हमने निचोड़ना है और इसको डाल लेना है ड्रेनर में, या जो भी आपके पास छन्नी वगैरह अवेलेबल है तो इसका बहुत अच्छे से पानी निकाल के डालना है, क्योंकि जब आप इसकी सब्जी बनाएंगे तो ये बहुत सारा वाटर रिलीज़ करेगा। तो अच्छे से ड्रेन करना इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और यहाँ मैंने ले लिया है कढ़ाई, और उसमें 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अगर आप चाहते हैं तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ही रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने डाला है जीरा, साबुत धनिया और मेथी। उसके बाद इसमें सिंपल तरीके से तड़का लगाना है, जैसा कि आप सब्जियों में लगाते ही हैं। तो ये मैंने डाल लिए हैं यहाँ पर प्याज और मिर्ची। इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये ब्राउन हो जाता है। और प्याज हो चुका है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट। अब इसमें हम डाल देंगे आधे से ज़्यादा लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने बनाया था। लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना है। और उसके बाद हम इसमें मिला देंगे अपने कटे हुए टमाटरों को। 3 से 4 बड़े कटे हुए टमाटर लिए थे मैंने यहाँ पर। और उसके बाद तुरंत हमने डालना है इसमें सॉल्ट, और पूरी रेसिपी में जितना सॉल्ट आप यूज़ करेंगे एक ही बार में डाल दीजिएगा। और ये देखिए सॉल्ट डालने के बाद टमाटर थोड़े से गल चुके हैं, तो अब हम इसमें आँच थोड़ी सी इसको तेज़ ही रखने, तेज़ आँच पर ही पकाना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टिम्बर के सीड्स। तो टिम्बर के सीड्स अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, लेट मी टेल यू कि टिम्बर के सीड्स चेऊ मशरूम में डालने से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस और फ्लेवर देते हैं ये अपना, और हल्की सी खटास भी आती है। उसके तुरंत बाद हमने डालने हैं बाकी के सारे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, देगी मिर्च। यहाँ पर देगी मिर्च इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा कलर ऐड करना है, और थोड़ा सा मीट मसाला या चिकन मसाला जिसको आप कह सकते हैं, इसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब मसालों को करना है हमने अच्छे से मिक्स, और थोड़ी देर के लिए इसको ढककर पकाना है। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर देते हैं इसको, और इसको ढक देते हैं। ढकने के 2 से 3 मिनट के बाद मुझे लगता है कि मसाला रेडी हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि इसने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्रेन किए हुए चेऊ। और इसमें मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है उलट पलट के,
तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा च्यू मसाले में लिपटा के, और अब इसको ढककर पकाने के बाद आप देखेंगे कि मशरूम जो है अपना वाटर काफ़ी रिलीज़ कर रहा है। तो हमें इस वाटर को अच्छे से सुखा लेना है और अब हम इसको सिम आंच पर पकाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है यह पकने के लिए। यहाँ देखिए लगभग रेडी हो चुका है। फिर से मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढका, और उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो पूरा सूख चुका है और इसने तेल छोड़ दिया है, यानी कि ये देखिए मशरूम इज़ रेडी। तो लीजिए पेश है आपके सामने च्यू मशरूम की यम्मी वाली सब्जी, जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। ये वाले च्यू मशरूम आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, या अगर आपके आसपास कहीं मशरूम की फार्मिंग होती है तो आप वहाँ से ताज़ा भी ले सकते हैं। ये मशरूम बटन मशरूम से बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं बनाने में और खाने में भी। अगर आप इनको रोटी के साथ इंजॉय करेंगे या चावलों के साथ इंजॉय करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। एक बार ज़रूर बनाइएगा च्यू मशरूम, इन सर्दियों में हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और आपके टंग के लिए बहुत ज़्यादा यम्मी है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल शेफ बाय हार्ट। मिलूंगी आपके साथ और भी नई और भी यम्मी क्रिएटिव रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिएगा। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।